अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया चारनवाब। आप देख रहे हैं CNW न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं ईसा लेबोरेटरी जो मौजूद है ख़याबान बदर स्ट्रीट 26 पे, और यहाँ पे इफ्तिताह किया गया लेबोरेटरी में जो है वो जदीद मशीनरी लगाई गई है। डेंटल की, फिजियोथेरेपी की जाएगी, अल्ट्रासाउंड की जो है वो न्यू टेक्निक मशीन्स लगाई गई हैं। तो यहाँ पे अभी इफ्तिताह किया है डॉक्टर नादिया फरहान ने, और डॉक्टर फरहानी सब यहाँ पे मौजूद है जो इफ्तिताह के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लेबोरेटरी को जो है सजाया गया है बैलून्स के साथ, और ये इफ्तिताह की खुशी में है, और आवाम के लिए डिस्काउंट भी रखा गया। और आपको पता है कि डॉक्टर फरहान ईसा हमेशा से उन लोगों के लिए डिस्काउंट रखते हैं जो अफोर्ड ना कर सकें, इन टेस्टों की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आइए, विज़िट कीजिए और डिस्काउंट भी हासिल कीजिए। लैब में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया फरहान। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं जो इफ्तिताह किया गया है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आवाम को यहाँ पे मैसर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नादिया फरहान ईसा है। मैं CEO हूँ डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर की। आप सबको बहुत खुश आमदेद हमारी लेबोरेटरी में। हम यहाँ पर लेबोरेटरी में बिसाइड जो सारी लेबोरेटरी सर्विसेज होती हैं उनके अलावा हम एक्सरेज की सहूलत, अल्ट्रासाउंड की सहूलत, फिर हमने देखा कि कोविड के ज़माने में लोगों को बहुत इश्यूज़ हो गए फिजियोथेरेपी के, क्योंकि यूजली एल्डरली होते थे जो अब हॉस्पिटल जाने से घबरा रहे थे, और यूजली हॉस्पिटल्स में जो है प्रीडोमिनेंटली ज़हबत ज़्यादा सिक लोग होते हैं, लोग इन्फेक्शन से घबरा रहे हैं। लेबोरेटरी में उनको पता है कि प्रीडोमिनेंटली आपके हेल्दी लोग भी बहुत आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर लोग आएंगे। हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो कि हम फिजियोथेरेपी करेंगे। उसके अलावा हमारे डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंटिस्ट्री में भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको बहुत श्योर हो कि जो इन्वायरमेंट है नॉट ओनली हाइजीनिक हो बल्कि बहुत स्टेट ऑफ आर्ट हो, बिकॉज सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस B, C और HIV के केसेस जो हैं वो अगर बैड डेंटल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उससे ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक हमेशा एक अवेयरनेस रहे, तो हम अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोविड जब से शुरू हुआ और वैक्सीनेशन तब से हम यहाँ पर फ्री वैक्सीनेशंस भी कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि हम लोग कोविड की वैक्सीनेशंस कर रहे हैं बल्कि हम अपनी ईसा लेबोरेटरी की डिफरेंट फैसिलिटीज़ में EPI की भी वैक्सीनेशंस कर रहे हैं, और वो भी आप लोग को बहुत खुशी होगी कि हम लोग बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को भी अब एक सुकून से एक ऐसी जगह पर लेके जाया जाए जहाँ पर हाइजीनिक इन्वायरमेंट हो। पीडियाट्रिशियंस के पास बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियंस हमारे पास, लेकिन हॉस्पिटल्स में लोग थोड़ा सा घबराने लगते हैं कि भाई वहाँ उल्टा इन्फेक्शन्स ना लग जाए, पता चला बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके आए थे और मम्स हो गए या मीजल्स हो गए, तो यहाँ पर ज़रा अपने सुकून के साथ आप वैक्सीनेशंस भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने OPG की भी फैसिलिटीज़ की हैं, क्योंकि हमने अंदाज़ा किया कि यहाँ पर OPG का थोड़ा सा फ़कदान है और बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट बैठे हुए हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो फिर जो एक आध फैसिलिटीज़ ही हैं जो यहाँ क्लिफ्टन डिफेंस के बहुत बड़े एरिया में जो सर्विस दे रही हैं, लेकिन उनमें फिर ये होता है कि लोगों को एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा मकसद हो जाता है कभी अपॉइंटमेंट्स का। तो इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड कंटिन्यू योर वुड लाइक टू हैव योर सपोर्ट, और हम लोग ये चाहेंगे कि हम आपको अवेयरनेस भी देते रहें और हम आपको सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा साहब। आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि डिस्काउंट क्या है आवाम के लिए क्योंकि जब भी कोई नया कोई इफ्तिताह होता है कोई लेबोरेटरी कोई डॉक्टर, तो सबसे पहले लोगों का यही सवाल होता है कि डिस्काउंट क्या मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा डॉक्टर ईसा हेल्थ सर्विसेज का, ईसा लैब का एक कंपोनेंट है, उसका आज इनॉग्रेशन है, जिसमें डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपी, ये सब चीज़ सर्विसेज इंक्लूड हुई हैं। अल्ट्रासाउंड जो है 26th Street DDHA में, और इस वक्त हमारी जो कैंपेन है जैसे आपने बताई 23rd March आ रहा है, तो हमारी इस वक्त पूरे महीने जो है 23% डिस्काउंट है, क्योंकि हम नेशनल स्पिरिट भी उजागर करना चाहते हैं। पर ये कि ईसा लैब हमेशा कम्युनिटी सर्विस पर बिलीव करती है, और अगर कोई भी ज़रूरतमंद है, किसी को भी ज़रूरत है, उसके लिए तो हमेशा हम हमेशा हाजिर रहते हैं।
उसका हम अपना स्पेशल एक अमाउंट रखा हुआ है जो कि ईसा लैब और ईसा फैमिली ने डोनेट किया हुआ है, सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। जी बिल्कुल, आपने सुना कि डिस्काउंट है उन लोगों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आएँ। और ईसा लैब का नाम हमने हमेशा से सुना हुआ है, जब मैं छोटी थी जब भी कभी बुखार बहुत हो जाता था तो एक नाम जो है एतमाद का कि ईसा लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाना है, तो वो आज हम इतने बड़े हो गए हैं और फिर भी ईसा लेबॉर्ट्री जो है इस वक्त नंबर वन पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नसीम अहमद, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैदराबाद मेडिकल कॉलेज। ईसा लेबॉर्ट्री का ये तो इन्होंने सिर्फ हेल्थ सर्विसेज का इफ्तिताह किया, ईसा लेबॉर्ट्री 1987 से कराची के मुख्तलिफ कोनों में काम कर रही है, और सिर्फ काम नहीं कर रही, सर्व कर रही है पब्लिक को, ख़ास तौर पे जो पुअर पेशेंट हैं जो एक ज़माने में परेशान होते थे कि उनको सही रिपोर्ट मिल जाए। तो ईसा लेबॉर्ट्री ने सिर्फ सर्विस नहीं, एक अपना मैार भी बरकरार रखा हुआ है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। अभी जो इन्होंने एक्सपेंशन की है डेंटिस्ट्री के अंदर, एक्सरे के अंदर और दूसरी सारी हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, उससे इंशाल्लाह आवाम को फ़ायदा होगा। थैंक यू। जी बिल्कुल, आवाम के फ़ायदे के लिए ये सब लेबॉर्ट्रीज बनाई जाती हैं, ताकि आप वो टेस्ट जो बाज़ जगहों से नहीं होते, वहाँ पे मशीनरी नहीं होती, तो उन ईसा लेबॉर्ट्री आपको डेंटल का, फिजियोथेरेपिस्ट का सब कुछ ये आपको एक जगह मौजूद मिलेगा। और ये है ख़याबान बदर स्ट्रीट 26, आइए विज़िट कीजिए और जो है अपनी बीमारियों की जो है अच्छे से जो है इन्वेस्टिगेट करवाइए, ताकि अच्छा सा इलाज हो सके। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहल, आइए इनसे बात करते हैं कि ये डेंटल में क्या लोगों को किस तरीके से केयर करेंगे लोगों की। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर सहल, और डॉक्टर फरहा मैं बेसिकली ओरोफेशियल क्लिनिक्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, डॉक्टर आरिफ मंसूर एंड एसोसिएट्स, और हम लोगों ने ये नया वेंचर ज्वाइन किया है विद ईसा लैब्स बेसिकली, और हर तरीके की फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग रूट कैनाल्स, फिलिंग्स, स्केलिंग्स एंड पॉलिशिंग्स, डेंटल हाइजीन से रिलेटेड, डेंटल पेन से रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटीज़ वी हैव विद अस, और डेंटल एस्थेटिक्स में जो कि आजकल एक रीसेंट यू नो इन न्यू थिंग इन डेंटिस्ट्री, वी हैव द ग्लॉसी ट्रीटमेंट्स, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स फॉर टीथ अपार्ट फ्रॉम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको अवेलेबल होंगी बहुत मुनासिब रेट्स के साथ, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी सर्विंग यू ऑल, एंड वी विल बी यू नो waiting for you all to visit us very soon at ईसा Labs, and it's a very good opportunity कि आप सबको भी एक जगह पे सारी facilities मिलेंगी, that includes dentistry now as well, because dentistry has been a very negligent part of medicine since a very long year, but शुक्र है कि अब लोगों में, हमारी population में, nation में इसकी थोड़ी सी awareness आ गई है, तो we hope के with a joint combined venture with all of this we will be able to डॉक्टर साहब ये बताएं रूट कैनाल्स जो है लोग करवाने में काफ़ी वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत दिन लगते हैं, बहुत वक्त लगता है, तो वो कितना सही है करवाना? सो बेसिकली ये थोड़ी मिथ्स हैं, पास्ट में इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी हमारे पास इन डेंटिस्ट्री, बट विद टाइम आप देख सकते हैं जिस तरह आम जिंदगी में भी टेक्नोलॉजीज बढ़ गई हैं, डेंटिस्ट्री हैज़ बीन वेरी इज नाउ वेरी एडवांस्ड, और अब तो वन सिटिंग हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स हम वन सिटिंग करते हैं, वन सिटिंग ट्रीटमेंट्स मोस्टली हम प्रोवाइड करते हैं, दैट आर वेरी ईजी, दैट आर वेरी सक्सेसफुल एज वेल फॉर पेशेंट्स, एंड I mean all these myths ke log kehte the scaling karne se daant kamzor hote hain, these are myths, and I'm glad ke kuch to logon ko google ke through aur kuch hamare paas aake ya dentistry ke paas aake these myths are being cancelled, to umeed karti hu ke ab hum inshallah eradicate kar sakenge dental problems for our nation. Thank you so much. Thank you. मेरा नाम नजीब वली है, मैं वाइस इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हूँ डेंटल बोर्ड क्लिफ्टन का, तो यहाँ आज ईसा लैब में मुझे दावत दी बताने के लिए कि इनकी ओपनिंग है, बड़ा अच्छा है रेजिडेंट्स के लिए, बड़ा अच्छा है कि जो भी डिफरेंट इन्होंने डिपार्टमेंट्स खोले हैं, फिजियोथेरेपी और ब्लड टेस्ट और डिफरेंट जो भी हैं, माशाल्लाह इट्स वेरी गुड, हमें बड़ी उम्मीद है इससे बड़ा फ़ायदा होगा लोगों को, रेजिडेंट्स को। मेरा नाम सैयद मोशा है, प्रेजेंट हूँ डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन,
और हम यहाँ कम्युनिटी का काम कर रहे हैं DHA में, जो भी लोगों को इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू CBC DHA उनको भी, और उसके साथ साथ जो वेलफेयर के काम हैं जिसमें हेल्थ कैंप्स हैं या एनी काइंड ऑफ राशन का काम है, लोगों की हेल्प यहाँ के DHA के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और हम उनकी कोऑपरेशन से कोऑर्डिनेशन से जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब अफराद हैं, उनकी मदद करते हैं, उन तक पहुँचते हैं, उनकी जो हेल्प हो सकती है वो करते हैं। ईसा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत रीज़नेबल रेट्स पे ये लोग काम कर रहे हैं और ये डिस्काउंट्स भी ऑफ़र करते हैं बहुत सारे, इन्होंने हमें भी किया हुआ है डिस्काउंट ऑफर्स हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी भी हेल्प करते हैं। डॉक्टर ईसा जो हैं CSR के काफ़ी काम करते हैं, ये भी हेल्थ कैंप्स वगैरह लगाते हैं, जो एक इनकी अच्छी बात ये है कि ये पब्लिक के लिए काफ़ी काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोना सोहेल है, मैं ईसा लेबोरेटरी में 26 स्ट्रीट की ब्रांच मैनेजर के साथ साथ कॉर्पोरेट हेड भी हूँ, तो आई लुक आफ्टर देयर कॉर्पोरेट एज वेल। और क्या लोगों को बताएं जरा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, किस किस चीज़ का आप लोगों ने क्या किया, क्या सहूलियात हैं कि लोग आएँ? और अच्छा, हमारी ये ब्रांच खुले को 3 साल हो गए माशाल्लाह, और जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ब्लड टेस्टिंग और PCR की सर्विस से स्टार्ट किया, लेकिन जब हमारा कोविड गया तो हमें अंदाज़ा हुआ उस वक्त कि लोगों की ज़रूरियात और भी हैं, उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, उनको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, उनको डेंटिस्ट्री की ज़रूरत है, तो हमारी ये ब्रांच जिसको बोलते हैं ना ज़रूरत की ईजाद निकला, कि हमने फिर इस ब्रांच को डेवलप किया ताकि लोगों को ऑलरेडी कम्फर्ट है हमारी ब्रांच में आने से, और यहाँ आने से उनको ये होगा कि बाकी सर्विसेज भी मिलेंगी, तो यानी हम वन स्टेप विंडो बन गए उनके लिए कि एक दफ़ा ही आके वो सारी की सारी चीज़ों का इलाज करा सकते हैं, और एक कंफर्ट के अंदर जहाँ पे ये नहीं है कि पार्किंग का मसला है या यहाँ पे कोई अटेंड नहीं कर रहा है या जानी पहचानी शक्लें नहीं हैं, तो हमें बहुत खुशी है, प्लीज़ आएँ और हमारी सर्विसेज को अवेल करें। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद थे ईसा लैब में और यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है ईसा लैब का, जहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई हैं डेंटल्स की, एक्सरेस की, फिजियोथेरेपिस्ट की, एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है, और ये 26 स्ट्रीट खयाबान बदर में मौजूद है, और बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप आइए और जो है अपने टेस्ट करवाइए और अपना मुआयना करवाइए ताकि आप हर बीमारी से महफूज रहें। और ईसा लैब नाम है एतमाद का, और एतमाद चाहते हैं और सही चाहते हैं कि आपको सही जांचा जाए, तो आप यहाँ पे आइएगा और विज़िट कीजिएगा एक दफ़ा, ताकि आपके दांतों को खूबसूरत बनाया जा सके, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की जा सके, ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। देखते रहिए CNW न्यूज़, सलाम पाकिस्तान। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।